a program about awareness of the current affairs in our society. It's a wake-up call. Hello, welcome to Four Fingers Formula, episode 26. हमारा जो पिछला एपिसोड था, एपिसोड 25, उसके सिलसिले में कुछ एक कमेंट्स ऐसे आए जैसे कि कुछ लोगों को थोड़ा पॉलिटिकल लगा कि टेढ़े तरीके से ऑब्लिकली इट वाज मेकिंग पॉलिटिकल कमेंट्स। मुझे इसमें एक टिप्पणी करनी है। किसी भी वक्त किसी भी देश में किसी भी सोसाइटी में जो जागृत सोसाइटी होती है, आप एक लाइन भी खींचेंगे, अगर एक शब्द भी अगर लिखेंगे, तो मुझे लगता है उसका ताल्लुक वहाँ के हालात से होगा, इसलिए वो पॉलिटिकल हो जाएगा। इट विल हैव पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस। तो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, इट इज ए प्रोग्राम अबाउट अवेयरनेस ऑफ द करंट अफेयर्स इन आवर सोसाइटी। दैट्स व्हाट फोर फिंगर्स फॉर्मूला एंडेवर्स टू अचीव, मोर स्पेशली अबाउट द एक्टिविटीज और मिस एक्टिविटीज ऑफ द मीडिया दैट वी हैव। हैविंग सेड दैट, आई थिंक वी ऑट टू मूव टूवर्ड्स वेरी क्रूशियल रियल इशूज अफेक्टिंग अस। फर्स्ट थोड़ी सी सॉफ्ट स्टोरी मेरी अपनी खुद की। मैं बहुत यंग था तब, 1966 में, 25 से थोड़ा ही ऊपर हुआ होऊंगा जब मैं इंग्लैंड गया। 1971 में मैंने अपना घर खरीद लिया, वहीं काम करके, वहीं के पैसे से, वहीं की बैंकों से या बिल्डिंग सोसाइटी से लोन लेकर जो कि उपलब्ध होता था। ये सब वहाँ का एक तरह से सोशल सिस्टम था जिसमें घर वगैरह खरीदने के लिए ये सुविधाएं होती थी काम करने वाले लोगों को। और बहुत जल्दी वो वक्त आया, शायद ये 80s में आया, कि मुझे सिटीजनशिप ऑफर की गई। जो बहुत लंबे वक्त से वहाँ रह रहे थे, रह सकते थे, अपने पुराने पासपोर्ट पर रह सकते थे, लेकिन सिटीजनशिप की का प्रावधान नहीं होता था। वो दिया गया 80s में और मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया फॉर द सिटीजनशिप ऑफ UK। लेकिन मैंने कभी भी अपना पासपोर्ट नहीं बदला। मैंने इन रियल सेंस ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं ली। वो मेरे लिए उपलब्ध थी, उपलब्ध है आज भी, पर मैंने नहीं ली। अपना इंडियन पासपोर्ट ही रखा, जिसका मतलब यह कि मेरी एलिजेंस वॉज टूवर्ड्स माय प्रेसिडेंट। पर क्यों किया मैंने ऐसा? बड़ा सिंपल सा सवाल है। ब्रिटेन में तो मेरा घर था, मेरी फैमिली थी, बच्चे थे, मैंने वहाँ ज़्यादा काम किया था, पैसा कमाया था। भारत में जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ से मैं खड़ा हुआ, मेरा बचपन बीता, वहाँ तो एक इंच की ज़मीन भी मेरी नहीं थी, कोई घर मेरा नहीं था। फिर ये किस तरह का रिश्ता था? क्यों मैंने अपनी नागरिकता नहीं बदली? इसका सिंपल हिसाब, सिंपल बात है इमोशन। क्योंकि कहीं अंदर से मैं अभी भी अपनी जड़ों से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता था। मेरी वफादारी, मेरा ईमान,
मुझे भारत से जोड़ता था, भारत के किसी जमीन के थोड़े छोटे मोटे टुकड़े से नहीं, किसी बिल्डिंग में किसी अपार्टमेंट से नहीं, भारत से। और भारत क्या था? भारत एक सिंक्रेटिक कल्चर था और ये इसकी खसूसियत थी। तरह तरह के धर्म, मैनी रेसेस, जातियाँ, भाषाएं, पढ़ाई के स्तर, अमीर गरीब, तरह तरह के पोशाकें, विविध प्रकार के खाने, विविधता विविधता विविधता, रंगीन, ये इसकी खसूसियत थी। इसकी यही इसकी ज़मीन की खुशबू थी जो मेरी नाक से, मेरे शरीर से, मेरे आत्मा से, मेरे मस्तिष्क से कभी गई नहीं, और मैंने इसी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस किया। इसलिए मैंने आज तक इन रियल सेंस वो नेशनैलिटी, ब्रिटिश नेशनैलिटी जो कि मुझे उपलब्ध थी और उपलब्ध है क्योंकि मेरा सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, मैंने नहीं ली। ये थी सॉफ्ट दिल की बात, इमोशन की बात। अब जरा हार्ड टॉक। थोड़ा अंदाज लगाइए कि हम आज, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर होने वाले हैं या हो गए हैं। क्यों? व्हाई इज इट सो? क्यों हमें यह माना जाता है कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड बिगेस्ट पावर हो सकते हैं? इसके दो रीजन है। असली रीजन है हमारी कंज्यूमर पावर, खरीदने की शक्ति, हमारा बाजार। और वो क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिवीजन। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिवीजन? वो है हमारी जो पॉपुलेशन है, उसका साइज, उसका आकार, उसके नंबर्स। हम बहुत बड़े नंबर में हैं, हम सारे हिंदुस्तानी। और वो हम क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रदेश जो कि किसी ज़माने में अलग अलग थे, बल्कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में थे, इंडिपेंडेंट थे, लड़ते थे एक दूसरे से, वॉर होती थी, छीन झपट होती थी, वो आज एक है। हम एक बहुत बड़ी तादाद वाले मुल्क हैं। चीन के बाद में हमारा नंबर आता है और मुझे लगता है तादाद के लिहाज से शायद हम चीन को क्रॉस कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से, विच इज़ कॉल्ड आवर डेमोग्राफिक डिवीजन, हम उतने ही बड़े नंबर्स में खरीदार हैं। चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, देश विदेश से वो हम ले सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं। आज ये सब क्यों हुआ? पहले नहीं था। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारी कंट्रोल्ड इकोनॉमी को खोल दिया, फ्री कर दिया। अब दुनिया भर के बाज़ार हमारे लिए खुल गए और हमारे बाज़ार उनके लिए खुल गए। अब दुनिया हमें एक नए प्रिज्म से, नई रोशनी से देखने लगी। उनके लिए हम मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस एंड ट्रूली इन ट्रूअर सेंस सिंक्रेटिक सोसाइटी थे। बिकॉज दिस काइंड ऑफ सोसाइटी एंड दिस काइंड ऑफ साइज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफर टू वेरी प्रेशियस थिंग्स फॉर बिजनेस। It offered security and it offered opportunity. Opportunity because of the sheer numbers. जो जनता के, जो हमारे यहाँ citizens के या रहने वालों की जो संख्या थी, वो अपने आप में एक ताकत बन जाती है। इसी संदर्भ में कुछ नाम लूंगा। ये वो लोग हैं
जो इंडिया में ही जन्मे या फिर वो इंडियन ओरिजिन के थे, यानी कि उनके पेरेंट्स शायद विदेशों में चले गए और वहाँ उनका जन्म हुआ, पर ज़्यादातर वो खुद इंडियन और इंडिया में ही पैदा हुए और यहीं पढ़े। पराग अग्रवाल, कौन है पराग अग्रवाल? अभी दो चार दिन पहले ही उन्हें ट्विटर का CEO सबसे बड़ा पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। सुंदर पिछाई, वो गूगल के CEO है। सत्या नडेला, वो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। अरविंद कृष्णा, वो IBM इतनी बड़ी कंपनी उसके CEO हैं। अजय पाल सिंह बांगा, वो मास्टर कार्ड के CEO है। और एक स्त्री का नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है, इंदिरा नुई अब तो निवृत्त हो गई हैं, पर वो पेप्सी जो कंपनी है बहुत बड़ी दुनिया की, उसकी CEO थी। सवाल उठता है, व्हाट इज कॉमन इन दैट? कौन सी चीज़ है जो ख़ास है उनमें अदर देन बीइंग इंडियन और ऑफ इंडियन ओरिजिन? सबसे कॉमन चीज़ ये है कि इन सब ने अपनी टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में ही हासिल की, मोस्टली एट IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये जो IITs जहाँ से ये लोग निकले, ये होनहार लोग जो आज दुनिया को चलाते, दुनिया भर में जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है, आदर है, ये IITs 2014 से पहले नहीं, 2014 के बाद में नहीं बनी थी, ये बहुत पहले बन चुकी थी, 50s में ही बन चुकी थी। और वहाँ से निकले हुए ये लोग आज दुनिया के नायक बने। उसी तरह से जिस तरह उसी वक्त 50s और अर्ली 60s में स्टील प्लांट्स लगे बड़े बड़े हमारे मुल्क में, पावर प्लांट्स लगे हमारे मुल्क में बहुत ही बड़े बड़े, न्यूक्लियर प्लांट्स लगे, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स लगे, यहाँ तक कि पहला न्यूक्लियर बॉम्ब भी हम 1974 में ही ले आए थे, अपना खुद का बनाया हुआ। 1998 में तो खैर बहुत एडवांस हाइड्रोजन बॉम्ब्स ले आए थे। इसके अलावा कुछ और नाम लेता हूँ, प्रीति पटेल, लेडी ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो UK की, ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी है। आलोक शर्मा, वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेक्रेटरी है UK की, मतलब विकास संस्थान जो है UK के, उस विभाग के मंत्री हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्रालय है। एंड ऋषि सुनाक, वो सन इन लॉ हैं हमारे यहाँ, जो बहुत बड़ी कंपनी है इंफोसिस, बल्कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक है, उसके को फाउंडर नारायण मूर्ति साहब के दामाद हैं ऋषि सुनक। ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं UK के, जिसका मतलब ये हुआ कि वो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और कमला हैरिस का नाम भी सुना होगा आपने, वो भी इंडियन ओरिजिन की, वो वाइस प्रेसिडेंट है USA की। इन लाइन ऑफ सक्सेशन अगर कुछ हो जाए तो वो शायद वहाँ की प्रेसिडेंट होंगी, बल्कि कुछ घंटों के लिए वो ऑलरेडी बन चुकी हैं। कुछ दिन पहले जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उनको किसी इलाज के लिए दाखिल होना पड़ा था अस्पताल में, तो उस वक्त उन घंटों के लिए कमला हैरिस को प्रेसिडेंट का भार का पद संभालना पड़ा था। आज ये सब खतरे में है, एक तरह का थ्रेटन्ड है ये सारा सिस्टम। इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन जो हमारी ज़मीन है और अपॉर्चुनिटीज हैं, क्यों? हम बिल्कुल दीवानों की तरह से एक खाई की तरफ भागे जा रहे हैं। बहुत बड़ी खाई हमें मालूम है, पर कुछ दीवानगी, कुछ दीवानापन हम पे छा गया है और हम भागे जा रहे हैं उस तरफ, होड़ लगी हुई है उसमें गिरने की। हम जा रहे हैं उस चीज़ की तरफ जो बिल्कुल, जो कुछ हमने हासिल किया है उसके अलग है, उसके विपरीत। हमने हासिल किया है सब कुछ एक होने की वजह से, हमारी एकता की वजह से, हमारे एक साथ मिलकर चलने की वजह से। आज हम भाग रहे हैं डिवाइडेडनेस की तरफ, टूटने की तरफ, बिखरने की तरफ।
ये सब छीन लेगा हमसे। इस स्टेज पर आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम मिस्टर पी चिदम्बरम, जो हमारे भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनके एक आर्टिकल से। ये आर्टिकल का टाइटल है हैप्पी विद माई हिंदुइज्म। ये नवंबर 21 तारीख को संडे को संडे एक्सप्रेस में निकला था। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहले इसकी खास लाइनें पढ़ता हूँ, मोटी मोटी लाइनें, फिर एक आध उद्धरण पढ़ूंगा। द तमिल हिंदूज हैव लिव्ड फॉर सेंचुरीज विद पीपल प्रैक्टिसिंग अदर रिलीजन्स, स्पेशली क्रिश्चियनिटी फॉर ओवर 2000 ईयर्स एंड इस्लाम फॉर ओवर 800 ईयर्स। Muslim and Christian scholars and writers have made remarkable contributions to Tamil literature and the development of the language. To my knowledge, no Tamil Hindu king waged a war to establish the supremacy of the Hindu religion over other religions. Do teen important cheeze aur padhna chahunga. Wo simple truths karke chhapa hai isi article ke antargat. Hinduism does not claim to be the only true religion. ये उसकी ताकत है। स्वामी विवेकानंद said, I am proud to belong to a religion which has taught to the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. सारे religions को हम सत्य मानते हैं, बड़ा important मानते हैं और उन्हें वही महत्व देते। हिंदुइज्म डज नॉट हैव वन चर्च, वन पोप, वन प्रॉफिट, वन होली बुक और वन रिचुअल। देर आर मैनी ऑफ ईच एंड अ हिंदू इज फ्री टू चूज एमंग द मैनी और रिजेक्ट ऑल। एक और जगह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं चिदम्बरम साहब, हिंदुइज्म अलाउज ए हिंदू टू वर्शिप अदर गॉड्स एंड सेंट्स। हिंदुइज्म ये अलाउड करता है, इजाजत देता है कि हम दूसरे धर्मों के गॉड्स और सेंट्स की भी पूजा कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज गो टू वर्शिप एट द श्राइन इन वेलंकनी और प्रे एट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। हजारों हर दिन जाते हैं हिंदूज गोल्डन टेम्पल में प्रार्थना करने के लिए और दूसरे सिख धर्म के रिलीजियस टेम्पल्स में भी इन अमृतसर और अदर, और ऑफर ओबीसेंस एट द दरगाह शरीफ इन अजमेर। इसी तरह से अजमेर दरगाह शरीफ में जाते हैं और भी जगह, हम कई जगह जाते हैं। ये जो सिंक्रेटिक कल्चर है, ये हमारी ताकत है। एक और बात याद दिलाना चाहूँगा, क्यों होता है ऐसा। लास्ट ईयर, पिछले साल, केरल की एक मॉस्क में, एक मस्जिद कमेटी के पास, एक वहाँ की गरीब हिंदू औरत जाती है, प्रार्थना करती है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, कोई साधन नहीं है, क्या मैं मस्जिद के अहाते में शादी किसी तरह से कर सकती हूँ। मस्जिद की जो कमेटी थी बहुत मूव हो गई, उन्होंने एक मत से, पूरी कमेटी ने उस औरत का पूरा खर्चा उठाया, बिल्कुल विधिवत हिंदू तरीके से पंडित को बुलाया गया, वेजिटेरियन खाना बना और हिंदू तरीके से उस बच्ची की शादी की गई मस्जिद के अहाते में, फेरे वगैरह सब हुए और बहुत सी जो भेंट स्वरूप चीज़ें दी जाती हैं वो भी दी गई, और कमेटी ने उस औरत को एक बहुत बड़ी धनराशि अपनी तरफ से आशीर्वाद के रूप में दी। ये है हिंदुस्तान, ये है भारत, मेरा भारत महान। आज का एपिसोड जस्ट लाइक अदर्स इज अबाउट अवेयरनेस एंड आई वुड लाइक टू से इट्स ए वेक अप कॉल।